हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास हो गया? क्लास वाला मैं आपके आपके अच्छा, किसके साथ फाइनल ईयर के साथ फाइनल ईयर। हाँ, थर्ड ये है मेरे पास। वाह, अस्सलाम वालेकुम। साइड में सेट कर दो सबको ताकि सब ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 20 मिनट जो है वो गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आज जो है ना हमारा यूनिट 3 का जो यूनिट 3 है उसमें हम कम्युनिटी एज ए पार्टनर, ठीक है, उसका जो पहला जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर आप कह सकते हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी एज ए पार्टनर। और इसमें जो है ना कम्युनिटी कंसेप्ट जो है उसके बारे में, ठीक है, कि जो कम्युनिटी के जो कम्युनिटी असेसमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है ना उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पहले से आइडिया है, ठीक है, असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है किसी भी, मतलब अगर हम एज ए क्लाइंट को देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी पेशेंट को, ठीक है, आपके साथ स्लाइड शेयर की जाएगी, ठीक है, आपको मतलब मैं हॉट फॉर्म में दे देता दूंगा, ठीक है, आप लोग इससे इन्वॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। असल में तो मैं आप लोगों का टेस्ट आज टेस्ट का दिन था, लेकिन आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, इसी वजह से फिर क्या मतलब ऑनलाइन क्लासेस पे आना पड़ा। बेसिकली तो मेरा मकसद ये है, ठीक है, कि आप लोगों के साथ साथ में टेस्ट भी लिया जाए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन के साथ साथ में हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं साथ साथ में टेस्ट प्रिपेयर भी करने लगा हूँ। जैसे ही आप लोगों की 2 वीक्स कम्प्लीट हो जाएंगे तो साथ साथ में जो जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, जो शुरू में जो कवर किए हैं, इसमें हम टेस्ट ले लेंगे ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कम से कम अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर करो और इसके साथ इंगेज रहो, ठीक है। अच्छा, तो कम्युनिटी असेसमेंट हम पढ़ेंगे। तो असेसमेंट का जब भी किसी भी चीज़ को हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक थोरली डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस के बेस पे हम
जो है कोई जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके लिए सोल्यूशन जो है वो मतलब ढूंढ लेते हैं। अगर कहीं पे मतलब कोई एप्लीकेशन का कोई मतलब नीड हो तो हम उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो कम्युनिटी असेसमेंट जो है, जो शुरू में लिखा है कि प्रायर टू नर्सिंग एक्शन क्लाइंट इज असेस्ड टू डिटरमाइनिंग हिज आर हर हेल्थ स्टेटस एंड द नीड फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, अब नर्सिंग एक्शन से पहले जो है ना एक असेसमेंट की जाती है, ठीक है, ताकि हम मतलब क्या नाम है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है उसके हेल्थ स्टेटस को डिटरमिन कर सके, ताकि जो है उसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो जिसकी नीड हो ताकि हम उसको असेस कर सकें। ठीक है, तो नर्सिंग एक्शन बाद में आएगा, सबसे पहले हमें उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो कम्युनिटी का भी एक असेसमेंट होता है। ठीक है, असेसमेंट जो है एक आप रिव्यूइंग ए ह्यूमन सिचुएशन फ्रॉम अ डेटाबेस इन ऑर्डर टू अफर्म द वेलनेस स्टेट एंड डायग्नोस पोटेंशियल क्लाइंट प्रॉब्लम, टू अफर्म एन इलनेस स्टेट डायग्नोजिंग द क्लाइंट्स प्रीवेलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे पहले मैंने बताया, ठीक है, कि जो हमारा असेसमेंट है, ठीक है, अब ये कोई भी ह्यूमन सिचुएशन को डेटाबेस जो मतलब डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसी ही बेस पे ताकि हम उसकी जो एक जो रिक्वायरमेंट है उसकी हम तस्दीक कर सकें। ठीक है, ताकि उसमें जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है उस क्लाइंट के, उस कम्युनिटी के, ठीक है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। कम्युनिटी असेसमेंट जो है, द डिफाइनिंग ऑफ असेसमेंट इंडिकेट, ठीक है, डिटरमाइन अ क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अब जाहिर बात है कम्युनिटी के असेसमेंट जो हम मतलब कर लेते हैं तो हम डिटरमिन कर लेते हैं क्लाइंट्स के हेल्थ प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है और उसको मुख्तलिफ मतलब तरीके हम अपना लेते हैं साथ साथ में, जिसके ज़रिए हम मतलब डेटा गैदर करते हैं और उस डेटा से हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, वो सब्जेक्टिव डेटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो आपका थ्योरेटिकली भी मतलब हिस्टोरिकल डेटा हो सकता है जो मतलब करंट हो, जो मतलब हिस्ट्री के फॉर्म में हो, जो पिछले से किसी मतलब कम्यूनिटी पर या किसी भी चीज़ पर मतलब पहले से कोई रिसर्च की गई हो, तो हम उसको थॉरली जो है उसको वो डेटा मतलब हम कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन द क्लाइंट्स स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, हम वही जो है ना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और साथ में जो है डिटरमिन करते हैं क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम को। A community assessment, for the assessment of the client there must be some collection of fact and figure, there are two types of data, ठीक है, और एक मिशन और। अच्छा, अब जो है ना कम्युनिटी असेसमेंट के लिए हमारे पास जो है ना ज़ाहिरी बात है हमारे पास डेटा और कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब वो जो है जो डेटा है जो फैक्ट्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा मतलब डेटा हो सकता है, और जो करंट और हिस्टोरिकल जो मैंने पहले बता दिया सब्जेक्टिव डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा, आप लोगों ने को आइडिया है कि सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव जो मतलब हमें पेशेंट दे रहता है और जो हम खुद मतलब देख लेते हैं कोई, ठीक है, खुद ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं और कुछ जो है वो हमें मतलब वो इंडिविजुअल जो है वो हम मतलब बता लेता है खुद से। तो कम्युनिटी के बात हो रही है तो कम्युनिटी में हम मुख्तलिफ टाइप की सर्वे कर लेते हैं, क्वेश्चनेयर डिवेलप कर लेते हैं, या वैसे ही हमारा अपना ऑब्जर्वेशन होता है कम्युनिटी के बेस पे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और मतलब आप कभी कभी आप लोग देख लेते हैं कि मुख्तलिफ जो डिजीज होते हैं वो कुछ जियोग्राफिकल एरिया होते हैं जिसके साथ वो बिल्कुल बाउंड होते हैं, ठीक है, और कुछ मतलब ऐसे डिजीज होते हैं जो मतलब हर डिजीज़ का मतलब वो वर्ल्ड वाइड नहीं होती है डिजीज़, वो कुछ स्पेसिफिक रीजन के साथ जो है ना उनका वास्ता होता है और मोस्टली वहाँ पे मतलब ऑकर होता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा है और जो करंट और हिस्टोरिकल, ये हमारे पास जो है ना फैक्ट्स और कलेक्शन ऑफ डेटा जो है इसके थ्रू हम मतलब हम असेसमेंट कर लेते हैं। हम डेटा कलेक्शन मेथड जो है ये भी किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, इंटरव्यूज कर लेते हैं,
वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, वो मतलब एक कम्युनिटी लेवल पे आप एक ग्रुप की फॉर्म में लोगों से मतलब क्वेश्चन एयर कर सकते हो, आप टेलीफोनिक की जो है वो इंटरव्यूज वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन को मतलब किसी भी इंडिविजुअल के बेस पर हो या कोई भी कम्युनिटी में एक जो लार्ज पॉपुलेशन है इसकी मतलब जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकती है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको हम रिव्यू कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें जो है ना डेटा कलेक्शन में मतलब मदद मिलती है। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो है हमारे पास होते हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं या कोई भी इस तरह की कम्युनिटी बेस पे जो डायग्नोस्टिक जो डायग्नोसिस होता है, ठीक है, उसकी जिन रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है डेटा कलेक्शन जो है और फैक्ट्स जो है वो हमारे सामने मतलब प्रेजेंट होते हैं। कोलाबरेशन विद कोलीग, हम जो है ना फॉर एग्जांपल कम्युनिटी असेसमेंट जो है, अब आपको भी आइडिया है कि ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, तो ये मल्टीपल जो है ना डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कुलीग के साथ मिल के ही काम करना होता है, ठीक है, और कुलीग कुछ मतलब हर जो कुलीग है उसने अपने अपने एंगल से मतलब उसको असेस करना होता है, ठीक है। कुछ मुख्तलिफ डोमेन में एक डोमेन पे काम करते हैं, कुछ दूसरे डोमेन पे, तो एक कम्युनिटी की ओवरऑल जो एक नीड है जिसको हम असेस करने जा रहे हैं, ठीक है, थीके? और जो डेटा हम गैदर करते हैं वो हमारे पास एक कंपाइल फॉर्म में एक मतलब आ जाता है, फिर हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे में मतलब फॉर्मुलेट करते हैं और हमारा जो एक डेटा कलेक्शन मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो डेटा कलेक्शन मेथड असेसमेंट में क्या होगा, इंटरव्यूज होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होंगे और कलाबरेशन विद कोलीग, ठीक है, मतलब हमें अपनी टीम के साथ मिलकर ही चलना होता है। कम्युनिटी असेसमेंट, आप community health nursing collect wider array of data than nursing in other specialty area. They gather data on groups of people as well as individual and family. ठीक है, अब जो community health nursing जो मतलब क्या नाम है ना, वो data किस तरह मतलब एक wide है ना range में data वो इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, और वो जो data है वो groups की शक्ल में है, ठीक है, या किसी भी individual से या आप मतलब family base पर मतलब, क्योंकि हम कम्युनिटी को असेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फैमिली भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, और या मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ना ग्रुप की शक्ल में लोग भी हो सकते हैं। इट इज़ अ टेक्निक दैट मे बी यूज टू डिटरमिन द हेल्थ स्टेटस रिसोर्सेज और नीड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये एक टेक्निक डेफिनेटली एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम जो है रिसोर्सेज और नीड जो है उसको पॉपुलेशन और ग्रुप के जो नीड्स और रिसोर्सेज है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डिटरमिन हाँ ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंस हेल्थ, ठीक है। अब थ्रू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है हम क्या करते हैं, डिटरमिन हाँ ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंस हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी जो है ना वो हेल्थ को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, और एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ए वैरायटी ऑफ कम्युनिटी वेरिएबल, ठीक है। अब मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं कि रिलेशन जो है, ठीक है, कि दोनों में वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स है कम्युनिटी में आपस में एक लिंक क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल ले लो, जिस तरह हम मोस्टली इस एग्जाम्पल को मतलब कम्युनिटी या रिसर्च बेस पर मतलब करते हैं कि जो स्मोकिंग है वो लंग्स कैंसर को मतलब लीड करता है, ठीक है। तो इसमें जो दोनों जो वेरिएबल है इसका आपस में लिंक क्या है, ठीक है, कि स्मोकिंग जो है और जो लंग कैंसर है आपस में इनका क्या कनेक्शन है, किस वजह से हो सकती है। फिर हम इस पर एक रिसर्च होती है, ठीक है, रिसर्च मतलब आज भी पहले से भी हो गई है, लेकिन वो जो आपस में जो एक रिलेशनशिप है ना हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट, अच्छा,
अच्छा, डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट जो है, ठीक है, कौन से डायमेंशन है जिसमें हम मतलब असेस करते हैं, पॉपुलेशन, क्लास और जो है ना सोशल सिस्टम? ये हमारे पास जो है ना ये डायमेंशन है कम्युनिटी असेसमेंट के, ठीक है। इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट में सबसे पहले जो है पॉपुलेशन, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी, साइज, डेंसिटी, कंपोजिशन, ठीक है। सबसे पहले जो है पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पॉपुलेशन जो है आपको पता ही है कि वो इंडिविजुअल से ही मतलब पीपल्स की कलेक्शन से ही एक पॉपुलेशन जो है वो बनती है, ठीक है। अब उस जो मतलब लोग हैं जिस कम्युनिटी में जो लोग सर्वाइव करते हैं रहते हैं, ठीक है, उसके जो मतलब जो खसूसियात है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी के साइज को, डेंसिटी और कम्पोजिशन, ठीक है, कि कम्युनिटी जो है किस चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है। तो उसके जो कम्पोजिशन है और डेंसिटी है, वो साइज है कम्युनिटी का, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन, कल्चर करेक्टरिस्टिक्स, सोशल क्लास एंड एजुकेशनल लेवल, मोबिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब उसी भी कम्युनिटी में अगर ग्रोथ रेट है, ठीक है, या ग्रोथ रेट का जो यार तो मतलब क्या नाम है ना, इंक्लाइन है या डिक्लाइन है, या कल्चर करेक्टरिस्टिक्स के जो मतलब कल्चर एसोसिएट किया है, सोशल क्लास और एजुकेशनल लेवल, ठीक है। एजुकेशनल लेवल अब आपको पता ही है, कुछ कम्युनिटीज़ है उसमें एजुकेशन लेवल जो है वो होता ही होता है, लेकिन कुछ जब उनका जो है वो एजुकेशन लेवल वो इतना नहीं होता, ठीक है। जिस तरह अगर आप लोग देहातों के नस्बत जो है ना, अब शहरों में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अवेल होती है, ठीक है। तो लोग आप मतलब एजुकेशन का जो एक ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देहाती जो लोग होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली वहाँ पे इतना नहीं होता एजुकेशन पे। लोग बस दो वक्त की रोजी रोटी कमाए तो उनके लिए मतलब मोर देन इनफ है, तो इसी वजह से। लेकिन अब ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। इसी वजह से कम्युनिटी असेसमेंट मतलब लोग करते हैं, ताकि एरिया आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जो एजुकेशनल लेवल है उसको मोबिलिटी, ठीक है, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ठीक है, और मोबिलिटी, सॉरी, और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, ठीक है। मतलब जो डिजीज़ का जो डेथ जो रेट है उसको क्या करें, उसकी एनालाइजेशन हो सके पॉपुलेशन। प्लेस जो है वेयर द कम्युनिटी इज लोकेटेड एंड इट्स बाउंड्रीज, कम्युनिटी बाउंड्रीज, लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, जियोग्राफिकल फीचर, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब प्लेस में हम किस चीज़ पे मतलब जो है उस पर फोकस करेंगे? अब प्लेस जो है कि कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर लोकेट है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज मुख्तलिफ जगहों पर ही उसकी एलोकेशन होती है, ठीक है। कम्युनिटी का आपको पता ही है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल जो है वो एक जगह पे मतलब रहते हैं और वो मतलब कॉमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसा कल्चर होता है, ठीक है, और उनके कॉमन जो है ना नीड्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज होती है, ठीक है। तो हम प्लेस को जो है उसको असेस करेंगे, ताकि जो कम्युनिटी है वो कहाँ पर लोकेट है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, और लोकेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, वो कहाँ पे, फॉर एग्जांपल लोकेशन जो है हेल्थ सर्विसेज लोकेशन है, क्या वो मतलब दूर है, नज़दीक है, लोगों को जो है इजी इन एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर क्या है, ठीक है, जो मतलब जियोग्राफिकल उस कम्युनिटी के उसके फीचर खसूसियात क्या है, कुछ कि जो मतलब पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, या बिल्कुल समंदर के किनारे पे है, मतलब ये सारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है इसको हमने असेस करना है। क्लाइमेट उसका देख लेंगे, फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना का आपको पता ही है, ठीक है, जो प्लांट से रिलेटेड, जो एनिमल से रिलेटेड जो मतलब कंसर्न होता है उसको हमने देखना है, और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, हमने इसको असेस करना है, ये सारे प्लेस के कैटेगरी में फॉल करते हैं। और सोशल सिस्टम जो है ना, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम में जितने भी आपको पता है कि सोशल सिस्टम जो दूसरे कम्युनिटीज के बाहर जितने भी
सिस्टम के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उसमें इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन, पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम आ जाता है, ह्यूमन सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन, कॉमन पावर सिस्टम, ऑफिशियल एंड वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, स्टोर्स एंड इंडस्ट्रीज, सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन डायनेमिक्स, ये सारे जो है ये सोशल सिस्टम में आ जाते हैं। और ये डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट है, मतलब ये तीन हमारे पास जो थे, पॉपुलेशन था, ये पॉपुलेशन प्लेस और सोशल सिस्टम, ठीक है। अब एडिशनल डायमेंशन इन कम्युनिटी, कुछ एडिशनल डायमेंशन है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक्स पैटर्न आ जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अगर आप देखो तो कंडीशन ऑफ हाउसेस, ठीक है, कि जो कम्युनिटी है उसमें हाउस जो है ना, हाउस की कंडीशन किस तरह है, क्या वो प्रॉपर सैनिटेशन का उसमें कुछ इंतज़ाम है या नहीं है। आप लोग मुख्तलिफ घरों को, मतलब आप देखते हो जो रूरल एरिया, मतलब जो देहाती इलाके हैं उसमें घरों का जो कंस्ट्रक्शन है वो अजीब तरीके से होता है, ठीक है। जो शहरों में होता है, जो मतलब वेल डिवेलप जो जगह होते हैं उसमें मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से एक निज़ाम होता है, ठीक है। कमरे हवादार होता है, मतलब रोशनी को, घर में रोशनी के लिए प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम किया गया है, मतलब उस तरीके से उस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन अब देहातों में आप लोग देखते हो, ठीक है, उसमें इवन के टॉयलेट्स का भी कुछ इस तरह का इंतज़ाम नहीं होता, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ हाउस जो है उसको मतलब असेस कर लेते हैं, क्राउडेड इंडेक्स जो है उसको देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये सारा कुछ आ जाता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई और प्रेजेंस ऑफ सेफ्टी मेजर, ठीक है, जो कि मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो प्रेजेंस ऑफ सेफ्टी मेजर है या नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसमें सेफ्टी के मेजर्स कितने हैं, कोई भी काम कर रहा हो जिस तरह हमने उसमें पढ़ा हुआ था प्रोफेशनल हेल्थ में। द कल्चर पैटर्न, हाउ वैल्यू एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड इन्फ्लुएंस द हेल्थ पैटर्न, ठीक है। कल्चर पैटर्न किस तरह है, ठीक है, कि जो वैल्यू और बिलीव्स हैं और एटीट्यूड जो है वो हेल्थ के पैटर्न को किस तरह इफेक्ट करता है। डेटा अबाउट channels of communication, data related to vital statistics, basics to the development in evaluation of community health program, ठीक है। अब जो भी डेटा है वाइटल स्टेटिस्टिक, ठीक है, कम्युनिटी से रिलेटेड जो वाइटल स्टेटिस्टिक हमारे पास होता है, ठीक है, उसके मुताबिक जो डेटा है और डेटा अबाउट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जो कम्युनिटी में आपस में इंटरेक्शन, तो सब जो है ना कम्युनिटी में, मतलब विद इन कम्युनिटी मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो कह सकते हैं कम्युनिटी में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको भी अप्रोच करने का एक तरीका है, मतलब उसमें जो एक चैनल यूज़ होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके बारे में जो डेटा, इसकी सारी जो है ना वो असेसमेंट, डेटा रिलेटेड टू हेल्थ पैटर्न एंड हेल्थ फैसिलिटीज, मोस्ट कॉमन डिजीज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब वो डेटा जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ पैटर्न से रिलेटेड हो और हेल्थ फैसिलिटीज रिलेटेड, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी में जो है ना कॉमन डिजीज कौन सी है, हर कम्युनिटी में मुख्तलिफ टाइप के जो डिजीज है ना वो कॉमन होते हैं, ठीक है, तो कौन सी जो डिजीज है वो कॉमन है, वैक्सीनेशन यहाँ पे कौन सी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, और या वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है क्या वो है भी कि नहीं, मतलब इंप्लीमेंट है या नहीं। अगर आप लोग देखो, मतलब देखोगे तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जो एक एरिया डिफाइन किया जाता है, ठीक है, उसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन का जो सारा प्रोसेस होता है वो मतलब उसी ही एरिया में उनको वैक्सीनेशन करवाई जाती है, और ये कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल को पता होता है, ठीक है, कि वैक्सीनेशन यहाँ से ही होगी, तो क्या वो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो मतलब फंक्शनल है या नहीं है, ठीक है, एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और हेल्थ के बारे में जो एजुकेशन प्रोग्राम है क्या वो उस कम्युनिटी में है या नहीं है। अब मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन कम्युनिटी असेसमेंट, ठीक है, अब किस तरीके से जो है ना डेटा को कलेक्ट
कम्युनिटी असेसमेंट में जो है ना कौन सा मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो विंडशील्ड सर्वे है, इंफॉर्मेंट्स इंटरव्यू जो है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन है, और सेकेंडरी एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा और कंस्ट्रक्टिव सर्वे। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो विंडशील्ड सर्वे जो है ना इक्विवेलेंट टू अ सिंपल हेड टू टो असेसमेंट। Observe a drive through a chosen neighborhood and use the five sense and observation to assess the neighborhood. Common characteristics about the way people live, where do they live, type of housing. ठीक है, अब ये जो है head to toe assessment होता है, ठीक है, उसकी तरह ही है, ठीक है, कि जैसे हम सिंपल जो है head to toe assessment कर लेते हैं, ओवरऑल हर चीज को देखते हैं। अब जो observer होता है वो क्या करता है, ठीक है, वो किसी भी अपने इंडिविजुअल जो मतलब नेबर है उसको चूज कर लेता है, ठीक है, और अपने जो है फाइव सेंस को हम यूज करेंगे, ठीक है, टच जो है, स्मेल है, और जो भी है, ठीक है। तो और उसके जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो पीपल है उसके जो लिविंग स्टाइल है, ठीक है, हम उसको एनालाइज करेंगे कि वेयर डू दे लिव, कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसके जो मतलब क्या नाम है ना घर का जो सैनिटेशन है, हाइजीनिक कंडीशन वो इस तरह है, टाइप्स ऑफ हाउसिंग कैसी है, ठीक है। अब इंफॉर्मेंट्स इंटरव्यूज जो है वो इंटरव्यूइंग कम्युनिटी रेजिडेंस जो है कि इंफॉर्मेंट्स इंडिविजुअल इनका पोजीशन सच के लीडर इन लोकल गवर्नमेंट स्कूल विलेजेस वगैरह। इंटरव्यू कम्युनिटी रेजिडेंस, ठीक है, इंफॉर्मेंट्स इंटरव्यूज में जो है हम कम्युनिटी के जो रेजिडेंस हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं, और की इंफॉर्मेंट्स जो है ना इंडिविजुअल इनका सिचुएशन सच एज लीडर इन लोकल गवर्नमेंट स्कूल और विलेज, ठीक है। तो हम मतलब जो गवर्नमेंट लीडर लोकल गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं स्कूल्स में और रिलीजन्स में, वहाँ से हम जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जनरल पब्लिक रेंडम रेजिडेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है, जनरल जो पब्लिक है उससे हम रेजिडेंट जो है ना रेंडमली रेजिडेंट इन द कम्युनिटी उसको हम एक रेंडमाइजेशन जो है ना सैंपलिंग हम उस तरीके से कर लेते हैं, रेंडम टेलीफोन और फेस टू फेस या स्ट्रेट इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो रैंडम टेलीफोनिक और फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है, हम किसी भी इंडिविजुअल से फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं या रैंडम जो है ना टेलीफोनिक वो कर सकते हैं। और मतलब हम फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं एंड टेलीफोन, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, और या स्ट्रीट इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। इंटरव्यू माइक स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं या अनस्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, मतलब प्लान भी हो सकते हैं, अनप्लान भी हो सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है द सेशन ऑफ ऑब्जर्व फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिटी टू डिटरमाइन साइन इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब जो कम्युनिटी है आंसर है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिटीज टू डिटरमाइन साइन इन्फ्लुएंस जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर्मल कम्युनिटी जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड मीटिंग्स वगैरह ये फॉर्मल कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें मतलब लोकल गवर्नमेंट या स्कूल या बोर्ड मीटिंग वगैरह इस तरह की जो कम्युनिटी होती है वो फॉर्मल कम्युनिटी है, मतलब ये फॉर्मल कम्युनिटी है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिटी में कॉफी शॉप स्ट्रीट जो है इस तरह की जो कम्युनिटीज है जो लोग
अच्छा, अब इफेक्टिव टू असिस्ट वेयर यू नोज इन कंसर्न अब कम्युनिटी आवर सिस्टम एंड हाउ डिसीजन आर मेड. ठीक है, अब इसमें हम वेयर यू नोज जो है ना और कंसर्न आप कम्युनिटी आवर सिस्टम एंड हाउ डिसीजन आर मेड. बट कम्युनिटी में जो है हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो असेस कर सकते हैं, वेल्यूज जो है या नॉर्म्स और जितने भी कंसर्न कम्युनिटी से रिलेटेड. पावर सिस्टम टेकिंग मतलब जो पावर होल्ड है वो किसके पास होता है, जिस तरह मोस्टली अगर आप घरों में होते तो घर में भी एक कम्युनिटी, मतलब घर के जितने भी अफराद हैं वो भी एक कम्युनिटी है, लेकिन उसका जो सरबराह होता है ठीक है वो एक डिसीजन मेकर एक ही बंदा होता है. वो किसी का बड़ा भाई भी हो सकता है या किसी का मतलब फादर भी हो सकता है वो या मदर हो सकती है. ठीक है, तो हमने जो मतलब पावर सिस्टम किस तरह होता है उसमें और डिसीजन जो है ना और डिसीजन करना है. ठीक है, और डिसीजन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से डिसाइड किया जाता है. क्या मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वन मैन आर्मी वो खुद से ही डिसाइड कर लेता है, किसी और से मतलब वो ना कोई नेगोशिएट करता है ना कोई मतलब किसी से मशवरा वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं करता. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में इनके दिन मशवरा कर लेते हैं, तो कम्युनिटी भी इसी तरह की होती है. अब सेकेंडरी डेटा जो है ना असेसिंग एग्जिस्टिंग डेटा रिसोर्सेज रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रीवियसली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, डेटा बेस फ्रॉम ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल फैसिलिटीज. ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, जिस तरह रिकॉर्ड्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रीवियसली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, और डेटा बेस फ्रॉम ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल फैसिलिटीज जो है वहाँ से. तो इस जो सेकेंडरी डेटा है वो हमारे पास जो हम जो कुछ दूसरे तरीके से हमें मिल सकते हैं. ठीक है, वो रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं या प्रीवियसली कलेक्टेड जो इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके थ्रू.
हेलो। अच्छा आप लोग खैर अटेंडेंस लगा दें, वो असल में क्लिनिकल के बच्चे आए थे, वो छुट्टियों का था इसलिए वो बात कर रहे थे। आप लोग साथ साथ में अटेंडेंस लगा दें, मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए कवर, ये कितना रह गया कि कल कर लेंगे इसको, चलो हाँ इसको कल करेंगे, चलो ठीक है। आप लोग अटेंडेंस ले रहे बस। और सारे जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन सब चीज़ों का रखें, आप लोगों का जो है इन्वायरमेंटल जो है उसका टेस्ट जो है वो रेडी है मेरे पास। जिस दिन भी आओगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से टेस्ट ले लूँगा, और जितने भी टेस्ट है वो उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट मतलब उसको मैंने स्टार्ट किया है और बना लूँगा, ठीक है। हेमंत कल कहाँ दिया?
Thank you.